विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। आज पहला दिन है नवरात्रि का, मैंने भी येलो पहना है। आप लोगों को बहुत बहुत नवरात्रि की बधाई, खूब अच्छे से हो। और मैं अपनी थाली दिखाती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है, मतलब हमारी फैमिली में बहुत लोग व्रत रखते हैं, लेकिन हमारे घर पे इधर नहीं रखा जाता है खास, मेरी मम्मी के यहाँ रखा जाता है। और कई लोग परहेज करते हैं जैसे नॉनवेज का, तो वो तो हमारे यहाँ होता ही है, लेकिन लहसुन प्याज का इतना नहीं होता है, वेरी फ्रेंकली टेलिंग यू। और उसके साथ इसलिए मैं व्रत का कुछ खास खाना तो नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, लेकिन नॉर्मल जो खाना है वो ही है। और उसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा अभी आजकल ये बड़ा दिखने लगे हैं, आप बूढ़ी हो रही हैं, आप बूढ़ी हो रही, तो अब क्या जवान होने की उम्र है मेरी क्या, मतलब पीछे जाऊँगी मैं, जवान होती जाऊँगी, और इतना इससे हैरान होने की क्या बात है, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, सारी दुनिया बूढ़ी होती है, आपकी माता जी, आपके पिताजी, आपके घर में कई लोग, आपकी दादी, इनफैक्ट जो लिखने वाली हैं आप भी तो कभी बूढ़े होंगे ही, और इसमें इतना बुरा क्यों मान। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, मैं चाहूँ तो एक दिन में अपनी उम्र जो है 20 साल पीछे कर सकती हूँ, सिर्फ कुछ घंटों में ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं आजकल, लेकिन मुझे नहीं करना है। अरे इतना एक्सपीरियंस जो लिया है इतने सालों का, इतनी दुनिया देखी, इतनी कमाई की है, मतलब वो सारी तो फिर पानी में मिल गई, मतलब दिखा दो कि हम जवान हैं अभी, हमने तो कोई दुनिया देखी नहीं, तो मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तो इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मैं जो है अपना फिर भी बेस्ट दिखने की कोशिश करूंगी, बेस्ट खाने की कोशिश करूंगी, बेस्ट एक्सरसाइज करूंगी, और आपको भी यही करने के लिए इंस्पायर करती हूँ, एंड आई लव यू ऑल। लेट्स सी माय थाली। तो आज मेरी थाली में है पनीर और आलू का पराठा, और साथ में है सिंपल मूंग की दाल, और साथ में है अरबी। वैसे तो देखिए नवरात्रि में हमारे घर पे प्याज लहसुन खाया जाता है, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि ये सब चीज़ें बिना प्याज लहसुन के ही बनी हुई हैं। तो ये साथ में मैंने थोड़ा सा मीठा अचार जो होता है ना, वो हमारे यहाँ राम बंधु का अचार रखा हुआ था, वो मैंने ले लिया। एक्चुअली नाम इसलिए बता रही हूँ कि मैंने इसकी रील की थी, मैंने और संजीव जी ने इंस्टाग्राम के लिए, आपने अगर देखा हो तो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैं नाम शेयर कर रही हूँ, और कोई वजह नहीं है उसकी। और साथ में है पापड़, तो पापड़ पराठा अरबी की सब्जी दाल हो गया मेरा कंप्लीट लंच फॉर द डे, जिसमें से नुकसानदेह चीज़ पापड़ है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन कभी कभी खा सकते हैं, दिल को इतना भी मारने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा जो है आप एक्स्ट्रा फाइबर ले लीजिए उसके साथ बस, ओके, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा सब्जी खा लीजिए, ओके, सो एंजॉय योर हैप्पी हेल्दी लंच।